हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगी, हम लोग भी बढ़िया है गाइस। और देखिए, मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे मैंने ना पूरा झाड़ू वगैरह लगा लिया है और अभी मुझे पोछा लगाना है, उसके बाद और खाना वगैरह बनाना है, नाश्ता बनाना है। और तो गाइस, मेरा पोछा वगैरह हो गया और मैंने नहा भी लिया है। और देखिए, यहाँ पर मैंने भिंडी वॉश करके रख लिया है और ये ग्रीन वाला प्याज है पत्ते का, उस दिन मैंने नूडल्स में डाला था अभी इसके, और मैं सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं चने की दाल बना रही हूँ आज भी, और सीटी लगा ली है। देखिए, मेरी चने की दाल बन गई है, कल भी मैंने चने की दाल बनाई थी, आज भी मैं चने की बना रही हूँ। और थोड़ा बच गया था ना, ज़्यादा हो रहा था, ख़राब हो रहा था, मैंने जैसा सब भिगा के आधा बनाया था, फिर आधा फ्रिज में रखा है। और इनको ना बहुत पसंद आया है, और आज ना मुझे बाबू के स्कूल में जाना है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड है, इसके वजह से फिर मैं दूसरा कुछ नहीं बना रही। और यहाँ पे ऐसे अब वही दाल बना रही, और मैं बोली फिर उसको ना फ्रिज में रख के भी फिर और ज़्यादा दिन हो जा रहे थे, मैं अभी वही बना रही हूँ, बस थोड़ा ही बनाना है। और यहाँ पे मैंने हींग डाला है और राई, जीरा और सूखा धनिया का तड़का लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा आधा प्याज कट किया है, करी पत्ता है, और अदरक लहसुन पेस्ट बना लिया है। और देखिए, मैं ना इन्हें इस पर ही हमेशा कूट के बनाती हूँ, और देखिए मैं ज़्यादा बारीक भी नहीं हूँ, दरदरा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। और मैंने टमाटर ना उसी पे डाल दिया था मैंने कुकर पे ही, और ना अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं कुकर पे, और दोबारा उसको फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मेरा दाल अभी सीटी लगा लिया मैंने, बस मैंने एक ही सीटी लगाया, भिगाई हुई दाल थी मेरी। और देखिए, मैं अभी यहाँ करछी से डाली हूँ, मुझे ना एकदम से ये हो जाता है, डर लगता है, इसलिए मैं पहले थोड़ा हल्का सा इससे डालूँगी, उसके बाद सारा डालूँगी। और ज़्यादा रहता है अगर सांभर वगैरह बनाते ना, तो उसके बाद तो मैं डालती नहीं, इसके पापा डालते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। और एक तो हमारी गैस चूल्हे की हाइट ना थोड़ा ज़्यादा है, और इसके वजह से ज़्यादा ही ऊँचा हो जाता है। और यहाँ पे ना ऊपर से डाली हूँ मैं मसाला वगैरह, बस थोड़ा नमक डालना है, हल्दी और मिर्ची डाली हूँ मैं, और बाकी तो कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद मैं धनिया डालूंगी। और देखिए, मैंने ना बहुत पतली वाली दाल बनाई है, और पतली वाली दाल ना बहुत टेस्टी रहती, बहुत अच्छी भी रहती है। और देखिए, मेरी दाल बन गई है, मैंने धनिया भी डाल दिया, चावल भी बन गया है, और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर रोटी बनाऊंगी, आटा भी गूंदना है मुझे। और यहाँ पे भिंडी और आलू और हरा वाला प्याज का ही है, उसकी सब्ज़ी बना रही मैं। और बस अब टिफिन तो है नहीं, अभी छुट्टी है, छुट्टी तो क्या है, और इसका रिपोर्ट कार्ड है, नाश्ता करके जाएगा मेरी बेटी का ना, 11:30 बजे से उसका पेपर है, और वो भी जाएगी, अभी नाश्ता करके ही जाएंगे। और देखिए, अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सारा साथ में ही डाल दूँगी मैं, और टमाटर भी नहीं डाली मैं, बस प्याज तो वही है ग्रीन वाला, कुछ भी नहीं डाली, और बस इस तरह सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इस तरह बनाते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है भिंडी की सब्ज़ी। और मेरी ना कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई है, इस कढ़ाई में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और अभी मेरा चावल भी बन गया है, और दाल भी बन गया है, आटा भी गूंद लिया है, फिर रोटी बनाना है यहाँ पे ना, और मैंने ग्रेप्स धो के रखे हैं आंसू पापा के लिए, अभी खाएंगे, और बाकी ना कोई भी नहीं खाता है ग्रेप्स, और सुबह सुबह बाकी टाइम खाते हैं, सुबह कोई नहीं खाता, मुझे भी पसंद नहीं है। और देखिए, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है, कितनी मस्त बनी है, बस मैंने भुजिया बनाया है, और मेरी भुजिया भी बन गई, भिंडी का भुजिया बन गया है, बस अभी रोटी बनाना है। तो गाइस, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, और देखिए अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो गाइस, अभी 8:30 हो गए हैं, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, और देखिए मैं तैयार हो गई सुबह ही 8:30 बजे। और आज ना मुझे मेरे बेटे के स्कूल में जाना है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड है। और देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो गाइस, देखिए यहाँ का मौसम कुछ इस तरह हुआ है, और एकदम ना बहुत अच्छा मौसम हुआ है, और जब से कहीं तो अदर स्टेट में बारिश हुई है, और यहाँ पे एकदम मौसम एकदम साफ हो गया है, और अभी धूप भी की लगी रही है, बहुत तेज धूप है। और देखिए, अभी 8:30 बजे इतनी कड़ी धूप आई हमारे यहाँ पे, और अभी तो जा रहे हैं हम इस बाबू। तो गाइस, देखिए यहाँ का मौसम कितना सुहाना हुआ है, और अभी बजे हैं 8:30,
और देखिए एकदम क्लियरी धूप निकली है। और अभी अदर स्टेट में बारिश होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत अच्छा साफ मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, अच्छा लग रहा है। अभी गर्मी थोड़ा कम जैसी लग रही है। और देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे आज ना मैंने 5:30 बजे धोए कपड़े, और क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, स्कूल में जाना है। अभी आने के बाद बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर काम भी कर। तो गाइस अभी हम फुल हाईवे में पहुंच गए हैं और यहाँ से हम पैदल ही जा रहे हैं। बस का वेट करते करते तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर बस बहुत लेट आते हैं इस टाइम। और यहाँ पे ना मंदिर है, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम मंदिर जाके भी आ गए हैं, और क्योंकि आज मंगलवार है तो इधर गणेश मंदिर है, और मंदिर में दर्शन करके अभी स्कूल पे जा रहे हैं। और देखिए अभी हम रास्ते में पहुँचे, यहाँ पे ना बहुत हवा चल रही है, और देखिए अभी चल रहे हैं दोनों माँ बेटे, और हम ना पैदल ही जा रहे हैं। बस तो बहुत टाइम में आएंगी यहाँ पे, और तब तक हम ना स्कूल में पहुँच जाएंगे, अभी टाइम भी हो गया है। बस सुबह सुबह थोड़ा अच्छा भी लगता है, मुझे तो पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा पैदल ही ज़्यादा जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बचपन से पैदल ही चली हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है पैदल चलना। और यहाँ पे ना ये पेड़ कितना गोल गोल मस्त हुआ है, और अभी ना पिछली बार आए ना इसे पत्ते गिरे थे, अभी सारे पत्ते आ गए, कितना मस्त लग रहा है। जब भी आते हैं मैं इस पेड़ के और वीडियो बनाती हूँ। और तो गाइस अभी हम स्कूल से निकल गए हैं, इसका हो गया है रिपोर्ट कार्ड, और मेरा बेटा ना पास हो गया, 6 नंबर से पास हुआ है। और देखिए अभी हम चलते चलते रास्ते में देखिए इसकी अभी मस्ती चल रही है, और बस का वेट करते हैं, बोला था बस में ही जाएंगे घर की, मैं बोली तब तक हम घर पर पहुँच जाएंगे। और मुझे ना मेरे बेटे को भी छोड़ना है अभी, और उसका 11:30 बजे से एग्ज़ाम है, इसकी वजह से मैं निकल गई। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे, अभी बस पहुँचने वाले हैं थोड़े टाइम पे। और चलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ऐसे वैसे लगता है बहुत चलेंगे तो और ये हो जाएगा घर के, लेकिन चलने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, पता नहीं चलता है टाइम का। देखिए अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, KB2 स्कूल के पास पहुँच गए हैं, और बस अभी पहुँच ही जाएंगे घर पर। तो गाइस अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ, और देखिए मुझे घर पे पहुंच के ना 1 घंटा हो गया, पानी वगैरह पिया मैंने, हाथ मुँह धोया, अभी मेरी बेटी तैयार हो गई है, अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए। और देखिए नीचे के रास्ते से जा रही हूँ शॉर्टकट रास्ते से, और पास में ही है इसका स्कूल, बस तो रोड क्रॉस करा दूँगी, अपने आप चली जाएगी। और बस रोड क्रॉस कराने में ना उसको रोड क्रॉस करने में उसको प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से मैं उसको रोड क्रॉस कराने के लिए आई हूँ, नहीं तो अकेले आ जाती, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी सारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, और यहाँ पे ना अभी पहुँच गए हैं, यहीं से उसको रोड क्रॉस कराने हैं। और अभी हम पाए हॉस्पिटल के पास पहुँचे हैं, इधर ही पाए हॉस्पिटल है, बड़ा सा हॉस्पिटल है पिंक वाला, बस यहाँ से इसको रोड क्रॉस करा के और फिर मैं चली जाऊँगी घर पर। तो गाइस अभी शाम का वक्त हो रहा है, और देखिए आज ना मैं गरम मसाला बना रही हूँ, देखिए सारे गरम मसाला मैंने मिक्स किया है, ये ना जो सुपारी जैसे दिख रहा है ना ये जायफल है, और मैं एक ही डाल ली उस पर, इसको थोड़ा कूट दूँगी, उसके बाद डालूँगी ये तीखी वाली मिर्ची है, मिर्ची भी मैं पीस लूँगी पर अलग रहूँगी, मसाले में मिक्स नहीं करूँगी। और मैं ना इसको थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, उस करने से ना अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ पे सारा है गरम मसाला, अभी क्या क्या है मैं अभी और यहाँ पे ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मेरे मन में आता है, और मुझे ना ज़्यादा नहीं आता है, बस जैसे आता है मैं वैसे ही बनाती हूँ। और ये है खसखस, इसको ना गैस बंद करके बस गरम कर लेना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और देखिए अभी मैं सारा मसाला पीस लूँगी। तो गाइस अभी मैं मसाला वगैरह पीस लेती हूँ, और मिर्ची को अलग रखूँगी, बाकी ये दोनों मिक्स कर लूँगी मैं, और धनिया को। तो गाइस वीडियो एंड यहीं पे करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।